नमस्कार, आप सबों का एक बार फिर पुनर्निवेश क्लासेस बाका में स्वागत है। और चलिए आज हम फिर एलसीएम एंड एचसीएफ लेकर के आए हुए हैं। और एलसीएम एचसीएफ हमने पिछले क्लास में भी पढ़े थे। और एलसीएम एचसीएफ का आज टाइप चेंज के साथ सवाल है। टाइप चेंज के साथ देखिएगा सवाल हम इसका कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना है। सवाल आपका क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, यानी वो छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो कि आप 4 से भाग दें या 6 से भाग दें या 8 से भाग दें या 12 से 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। आखिर 2 शेष तभी बच पा रहा होगा जब संख्या 2 ज़्यादा होगा, अन्यथा अगर 2 बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। सबसे पहले हम देखिएगा क्या है 4, ध्यान दीजिएगा 4, 6, 8, 12 और 16 से। कहता आखिर वो कौन सी संख्या है जो 4, 6, 8, 12, 16 से भाग दे 2 शेष बच रहा है? इसका मतलब है तो ये कहीं ना कहीं 2 ज़्यादा है तब 2 शेष बच रहा है। अगर इसमें 2 अगर ज़्यादा नहीं रहता तो इस सबसे कट जाता और भाग लग जाता। इसीलिए हमने पहले देखेंगे कि 4, 6, 8, 12, 16 से आखिर वो कौन सी संख्या है जो कट रहा है। पहले कटने तक पहुंचेंगे, बाकी बचने तक देख लेंगे। अब देखिएगा आखिर मान लीजिए ये सबसे कौन संख्या कटेगा, तो आपको पता है एलसीएम का अर्थ होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो सभी संख्या से विभाजित हो जाए। तो आप इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 12, 16 पता करेंगे आखिर कौन सी वो संख्या जो इस सबसे कटेगा। पहले कटने तक पहुंचना है। अब देखिएगा एलसीएम निकालने का तरीका है 4, 8 का 8, 8, 16 का 16, 6, 12 का 12 होगा। अब देखिए दोनों से देखते हैं, लगा देंगे 4 से, 4 6 16, 4 3 12, 16 3 48, 12 4 48। इसका मतलब ये क्या हो गया? 48। अब ध्यान थोड़ा दीजिएगा, कहता है कि 4, 6, 8, 12, 16 से कट गया वो संख्या 48 है जो कि कट रहा है, लेकिन कहता है क्या आगे चल करके कि वह छोटी सी छोटी संख्या से 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। आखिर कहीं ना कहीं ये 2 ज़्यादा होगा तब तो 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे तो 48 दो क्या हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। यानी 50 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 4 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा? 12 4 48, 2 शेष बचा। 6 से भाग दीजिए 8 6 48, 2 शेष बचा। 8 से 8 6 48, 2 शेष बचा। 12 6 48, 2 शेष बचा। 16 3 48, 2 शेष बचा कि नहीं बचा? यानी वह संख्या आपका क्या होना चाहिए? 50, जो कि इसमें भाग देंगे किसी भी संख्या से तो 2 शेष बचेगा। यानी मेरा कहने का अर्थ क्या था कि सबसे पहले उसको पता करेंगे कि हमारे पास कौन सी संख्या है जो इस सबसे कट रहा है। 48 था, कट रहा था, लेकिन 2 शेष बचना चाहिए तो कहीं ना कहीं 48 से 2 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब 50 संख्या होगा जो इस सबसे भाग देने पर 2 शेष बचेगा। जहाँ शेष बचने का कंडीशन रहे वहाँ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसलिए कहा भी जाता है ट्रिक में छोटी सी छोटी संख्या बराबर, देखिएगा छोटी सी छोटी संख्या बराबर, संख्या बराबर दिए गए संख्या का, दिए गए गए संख्या का, संख्या का एलसीएम, एलसीएम प्लस समान शेष, प्लस समान शेष, प्लस समान शेष कर देंगे तो हो जाएगा। अगर दिए गए संख्या का एलसीएम कितना था? 48, उसमें 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 50। क्लियर बात है। 2 तभी शेष बचेगा जब 2 ज़्यादा होगा, इसलिए 48 में 2 ज़्यादा 50 होगा तभी शेष बचेगा, इसलिए हम तो क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ का क्या है? कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त होता है। तो समझ लीजिए कि 2 शेष प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं 2 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको कैसे लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वह संख्या निकालेंगे जो सबसे कट रहा है 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से। यानी पहले देखेंगे कौन सी संख्या भाग लगेगा। अगर भाग लगने वाली संख्या पता चल जाए कहता 2 शेष बच रहा है तो कहीं ना कहीं उससे 2 ज़्यादा ले लेंगे। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं एलसीएम क्या होगा। 4, 8 का एलसीएम 8 होगा, 6, 12 का 12 होगा,
बचा पाँच और सात, ही दोनों देख लीजिए, चार दूनी आठ, चार त्यार आठ, त्या चौबीस, बारह दूना चौबीस, चौबीस पंचे एक सौ बीस और भर सत्य चौरासी आठ सौ चालीस एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम तो सबको बता दिए तरीका कैसे आपको फास्ट बनाना है, यानी आठ सौ चालीस वह छोटी सी छोटी संख्या अभी फिलहाल है जो कि चार पाँच छः सात आठ बारह से कट रहा है, लेकिन कह क्या रहा था दो शेष बचना चाहिए, तो दो शेष तभी बचेगा जब दो ये क्या होगा ज़्यादा होगा। अब दो या चार यहाँ यानी आठ सौ बयालीस वह संख्या होगा जो सबसे अगर भाग देंगे तो दो बचेगा, क्लियर है। जहाँ समान शेष बचे उसको वहाँ क्या करते हैं एलसीएम निकाल के जोड़ देते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे छः सात आठ नौ और बारह से भाग देने पर हर बार दो शेष रहता है। तो हर बार दो शेष रहता है तो संख्या निकाल के दो जोड़ देंगे, आखिर पहले वह संख्या कौन है जो इन सबसे कट रहा है। तो देखिएगा एलसीएम इनका निकालिएगा, एलसीएम ऑफ छः सात आठ नौ और बारह का, छः और बारह का बारह, बारह और आठ का देख लेंगे क्या होगा, चार तीया बारह, चार मिनट बारह दोनों चौबीस, आठ तीया चौबीस, चौबीस और नौ से देख लेंगे तीन तीया नौ, नौटी बहत्तर, चौबीस तीया बहत्तर, बहत्तर और सात कोई गुना नहीं तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, सात दूनी चौदह के चार बाकी एक सौ छत्तीस, तीन चार से पचास, पाँच सौ चार, यानी पाँच सौ चार वह छोटी सी छोटी संख्या अभी फिलहाल है जो ये सबसे कट रहा है, लेकिन इस सबसे नहीं कटना चाहिए, दो शेष बचना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये दो ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या करेंगे दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पाँच सौ छः, यानी कि इस प्रकार आपका सवाल अब सारे का सारे बन जाएंगे। तो चलिए टाइप चेंज करेंगे, तो चलिए देखते हैं टाइप चेंज पर पहला सवाल क्या है, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें दस जोड़ने पर बारह पंद्रह अट्ठारह चौबीस एवं तीस से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिनमें दस जोड़ेंगे तो बारह पंद्रह अट्ठारह चौबीस और तीस से कटेंगे, यानी जब तक आप दस नहीं जोड़ेंगे तो नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब साफ होता है कि जो संख्या इसे कटने वाला होगा उससे वो दस कम होगा, तो अब दस कम होगा तभी तो दस जोड़ेंगे कटेगा, इसलिए एक ही वर्ड बोला जा सकता है कि जब जोड़ने के लिए कहा जाए तो घटा देंगे और घटाने के लिए कहा जाए तो जोड़ देंगे, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए वह संख्या क्या है नहीं पता, देखिएगा इसमें दस जोड़ेंगे, मान लीजिए संख्या ये एक्स है, कुछ भी है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, इसमें दस जोड़ेंगे तब जा करके ये सबसे कटेगा, आखिर ये सबसे जो संख्या कटेगा अगर उनको निकाल के दस जोड़ के आए तो दस घटा देंगे तो ये संख्या प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसीलिए आप क्या करेंगे सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे, पंद्रह तीस का तीस होगा क्योंकि सब गुणज है, बारह चौबीस का चौबीस होगा, एक अठारह बचा देख लीजिए यहाँ पे, छः चौक चौबीस, छः तीन अठारह, चौबीस तीन बहत्तर, अठारह चौकी बहत्तर और तीस से बात करिए, छः पंचे तीस, बारह छः बहत्तर, बारह तीन छत्तीस, तीन सौ बहत्तर, पंचे तीन सौ साठ। अब देखिएगा तीन सौ साठ फिलहाल वह छोटी सी छोटी संख्या है जो बारह पंद्रह अट्ठारह चौबीस और तीस से कटेगा, लेकिन ये कह रहा तब कट रहा है जब दस जोड़ के आ रहा है, इसका मतलब अगर दस जोड़ के तीन सौ साठ आ रहा है तो पहले कितना होगा तीन सौ पचास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीन सौ पचास में दस जोड़ेंगे तब जाकर के 360 आएगा और वो संख्या 360 12 15 18 24 30 से कटेगा, यानी एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं जब जोड़ने को बोला जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे घटा देंगे तो 350 आ जाएगा, और जब घटाने को लिए बोला जाए तो क्या करेंगे जोड़ देंगे जो आ सकता है अगले सवाल में। तो सबसे पहली बात यहाँ आप आराम से समझ गए होंगे, तो चलिए हम अगले प्रश्न को लेते हैं। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल एक से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, एक से लेकर 10 तक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तक, यानी आखिर वह कौन सी संख्या है यहाँ पे नहीं पता जिसमें अगर 20 जोड़ देंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा और वो जो संख्या आएगा ये सबसे कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 20 जब हम जोड़े हैं
तब कट रहा है तो 20 कम होगा कि नहीं होगा, सवाल वही है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले का एलसीएम ले लेते हैं कितना होगा, सब कोई निकालेंगे, 2 4 का 4, 4 8 का क्या होगा 8, अब देखिएगा 3 6 का 6 होगा, 5 10 का 10 होगा, इसमें बचाएगा 7, इसमें कौन बचा 9 और 1, तो आप किसी के साथ भी गुना हो सकता है, इतना को आप तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, चाहे यहाँ पे लगाएंगे 4 2 8 3 8 3 24 6 6 24 24 और 9 से बात कर ले 10, तो बाद में ले लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 3 3 8 24 24 72 हो गया, 72 और 10 से बात कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 5, और ये कितना हो जाएंगे 36, 360 इधर 72 5 360, और 360 में हमारा कितना 7 से गुना कर देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 360 में 7 से गुना, क्योंकि कोई गुना ही नहीं, तो देखिए 7 0 0 7 6 42 और 7 3 4 2500 क्या हो जाएंगे 20, यानी 2520 वह संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कट रहा है, क्योंकि सबका एलसीएम है तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन कहता 20 जोड़ने के बाद कट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 20 कम था कि नहीं था, इसलिए जो जोड़ने के लिए बोला जाए तो इसमें क्या करेंगे 20 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2500। आखिर यहाँ 2500 संख्या होगा जो 20 जोड़ेंगे तब 2520 होगा, कटेगा किसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कटेगा, इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं जब जोड़ने के लिए बोला जाए तो घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे 2500 हो जाएंगे, इस प्रकार सवाल बनेंगे जोड़ने पर। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 18 21 28 से विभाजित हो जाती है, हमने अभी तक जोड़ने का पढ़ रहे थे, अब यहाँ घटाने के लिए पढ़ेंगे, क्या कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए, आखिर वह कौन सी छोटी संख्या है जो 7 घटा देंगे तब जा कर के यहाँ जो संख्या होगा वो किसे कटेगा 12 16 18 21 और 28 से कटेगा, इसका मतलब है कि 7 घटाएंगे तब कटेगा, तो कहीं ना कहीं 7 ये ज़्यादा होगा, आखिर यहाँ क्या होगा, तो हमने भी बात की जब घटाने के लिए बोला जाए तो जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए बोला जाए घटा देंगे, तो सबसे पहले ये पता करते हैं आखिर इससे क्या कट रहा है, कौन सी संख्या है, जब तक इनसे आप कटने वाली संख्या नहीं निकालेंगे तो 7 आप घटा करके संख्या की ओर कैसे पहुंचेंगे, तो वहां पे घटा के पहुँचना, लास्ट में हमको जोड़ना है, लेकिन सबसे पहले देखिए आखिर वो कौन सी संख्या है जो ये सारी संख्या से कट रहा है, तो एक ही चीज़ है इसका एलसीएम, तो आप एलसीएम निकालेंगे, देखिएगा 4 3 12 4 4 16 बड़ी सी बड़ी एचसीएफ से निकालते हैं, अपना किसी भी तरीका से निकालिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब 12 6 48 16 3 48 48 और 18 से बात करिए देखिएगा हो जाएंगे 6 3 18 8 6 48, अब देखिए हम 6 से लगा दिए दोनों 18 8 44 148 144 हो गया, अब बचा कितना 21 और बचा कितना 28, इससे निकालेंगे देखिए 3 से निकालिएगा तो 7 3 21 और 3 से 4 3 12 8 3 24 हो गया, अब इधर से गुना करें इधर से करें 7 6 28 और 7 6 28 और 2 30 और 7 1 7 3 10 1008 1028 निकालेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, इससे भी आप करिएगा तो हम कर देते हैं, अगर ये किसी प्रकार दिक्कत है तो 7 से लगा दीजिए, देखिए 7 से लगा 7 6 28 7 से लगाएंगे 7 1 7 3 बचा 7 6 28 फिर 2 बचा 7 6 28 अब देखिएगा 4 1 का 4 कर दीजिए, अब देखिएगा 4 3 12 बचा 2 अब देखिएगा 6 6 24 अगर इधर से गुना करिए इधर से गुना करिए तो वही 1008 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, यानी 1008 अगर जो आपका क्या आता है एलसीएम आता है जो कि 12 16 18 21 और 28 से ये कट रहा है, लेकिन कब कट रहा है कहता है वह संख्या क्या है जो कि 7 घटाएंगे तब कटेगा, कहीं ना कहीं 1008 जो घट के संख्या आया है, अगर ये 1000 अगर 15 रहेगा उसमें 7 घटाएंगे तो 1008 आएगा तभी तो इससे कटेगा, इसलिए यहाँ पे जब कहा जाए घटाने के लिए 1008 है तो आप 1008 लिख करके इसमें कितना जोड़ देंगे 7 तो हो जाएगा कितना 1015, यानी कि जब आपके पास 1015 यहाँ संख्या होगा उसमें 7 घटा देंगे तो 1008 होगा, और किससे कटेगा 12 16 18 21 और 28 से कटेगा, यानी मेरा कहने का अर्थ है जब जोड़ने के लिए बोला जाए तो घटा देंगे और घटाने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो चलिए हम अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दें
तो शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आखिर मान लीजिए वह संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटा देंगे तब जाके कोई संख्या मिलेगा, वो भी किसे कटेगा, 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, कि 11 घटा रहे तब जाके कट रहा, तो कहीं ना कहीं 11 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तब जाकर के 11 घटा के कटा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करें, जब घट के आ रहा है तो जोड़ के हम ऊपर चले जाएंगे। तो चलिए पहले ये पता करते हैं संख्या कौन है जो सबसे कट रहा है। तो इसके माध्यम से यहाँ से आप जा सकते हैं आसानी से। देखिएगा 14, 15, 21, 32, 60 का 15 और 60 का आप समझ सकते हैं क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि 15 चौकी 60 उसका गुणज होता है। और 14, 21 का देखिए 7, 21, 14, 21, 42, 44 ये हो गया, और बचा 32। अब देखिएगा आप इसमें भी लगा सकते हैं 10 6 60 और 7 6 हम 6 से लगा रहे हैं और 7 6 42 यहाँ पे लगा दिए। अब इधर से करें या इधर से करें, 420 और 420 और 32 से बात कर लीजिए। अब ये दोनों आपको अगर दिक्कत है तो किसी भी एंगल से बनाइएगा तो बनेगा, 4 से लगा देंगे 8 6 32, 4 से लगा देंगे तो 4 10 6 40 और देखिए कितना 5 6 20 हो गया इतना। अब अगर लगेगा, नहीं लगेगा तो गुना कर लेंगे, तो गुना कर देंगे। देखिए इधर से करिए या इधर से करिए, आसानी जो है सुनना, 8 2 16। अब देखिएगा हो जाएगा 8 6 32 1 33 33 160, यानी ये क्या हो गया, 3360 वह संख्या आया जो फिलहाल इन सब से कट रहा है। लेकिन तभी ये कटेगा जब इसमें 11 घटाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, 11 ज़्यादा होगा तो 3371 होगा कोई संख्या, 11 घटाएंगे तो 3360 होगा, तो ये सबसे कट जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, जब घटाने को बोलेगा तो क्या करेंगे, इसमें निकाल के एलसीएम जोड़ देंगे, जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो घटा देंगे। किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हुआ होगा ये सब सारे सवाल में, तब हम टाइप चेंज करेंगे। अब चलिए टाइप चेंज के साथ सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 24 एवं 27 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 16, 22 एवं 25 प्राप्त होता है। अभी तक जो आपने सवाल देख रहे थे कि एक समान शेष बच रहा था या जोड़ने या घटाने के लिए बोला जा रहा था, तो यहाँ पे जो सवाल है क्या है कि वो छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो 12, 18, 24 एवं 27 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 16, 22, 25 प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे जो कहने का अर्थ सवाल में है कि आखिर वह छोटी सी छोटी संख्या हमारा क्या है, जो कि अगर 12 से भाग दे तो 10 बचे, 18 से भाग दे तो 16 बचे, 24 से भाग दे तो 22 बचे, 27 से भाग दे तो 25 बचे। आखिर वो संख्या को आप कैसे ढूंढिएगा, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इसमें खासियत दिख रहा होगा कि ये भी अंतर 2 का, 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 इसलिए इसका भी अंतर कर देंगे 2 का एलसीएम निकाल करके। क्योंकि जब समान अंतर सब में नज़र आए तो सबसे पहले देखेंगे 12, 18, 24 और 27 से कौन सी संख्या कट रहा है, और सब में 2-2 अंतर है, इसलिए इसमें 2 अंतर हो जाएगा तो प्रत्येक का अपना अपना जो शेष बच रहा है वही बचेगा। तो सबसे पहले आप उसका एलसीएम निकालिए। तो बात करेंगे 12, 18, 24 और 27 का एलसीएम क्या होगा, आप सब इसको निकाल सकते हैं। 12, 24 का सबसे पहले 24 हम लिख दिए एलसीएम। अब देखिएगा 24 और 18 से 18 और 27 का देख लीजिए, 9 2 18 9 3 17 18 3 54 27 2 54 और 54 और 24 से पता कर लीजिए क्या होगा। तो ये देखिए कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, जिससे कटाना कटा सकते हैं। अगर दिक्कत है तो देखिए हम कैसे कटाएंगे, इसको 6 से कटाएंगे, 6 6 24 9 6 54, अब कटने का कोई चांस नहीं, तो इधर गुणा करिए इधर करिए, 4 6 16 अब 5 6 20 21 216। अब देखिएगा सब में अंतर 2-2 का, तो 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 214। यानी 214 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो कि अगर 12 से भाग देंगे तो 10 बचेगा, 18 से भाग देंगे 16 बचेगा, 24 से भाग देंगे 22 बचेगा, 27 से भाग देंगे 25 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, 214 हो जाएंगे। आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या है,
कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 30, 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रम से 11, 19, 25 तथा 37 शेष बचे। तो देखिएगा जब 16 से भाग देते हैं तो 11 शेष बचता है, 24 से भाग देते हैं तो कितना 19 शेष बचता है, 30 से भाग देते हैं तो कितना बचता है 25 शेष बचता है, जब 42 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है 37 शेष बचता है। क्रमशः का मतलब ये होता है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान लीजिएगा कि हम देखेंगे सबसे पहले अंतर कितना है, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी क्या है 5 का अंतर है। आप इनको एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 16, 24, 30, 42, जो आपका एलसीएम आएगा उसको निकाल लेंगे और उसमें कितना का अंतर कर देंगे 5 का, 5 का अंतर क्यों करेंगे, क्योंकि सब में समान अंतर 5 है। तो चलिए हम बात करते हैं एलसीएम क्या होगा 16, 24, 30 और 42 का। आसानी से इसको निकाल देंगे, 4 चौक 16, अगर हम 8 से भी लगा सकते हैं, 4 से भी लगा सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 8 दूनी 16 8 3 24 16 48 24 2 48 48 और 30 से बात करेंगे 6 5 30 8 8 3 24 240 48 5 240 यहाँ आता है। अब बया क्या बचा 42 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना, इसको दोनों को निकालेंगे, 7 6 42 6 4 24 40, देखिए 4 2 8 4 4 16 1680, यानी 1680 आपका संख्या भी फिलहाल आया है जो कि 16, 24, 30, 42 से कट रहा है। लेकिन आप में क्या होना चाहिए, सब में अंतर समान 5 का, तो 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1675। वह छोटी सी छोटी संख्या होगा जो 16 से भाग करेंगे 11 बचेगा, 24 से भाग करेंगे 19 बचेगा, 30 से भाग करेंगे 25 बचेगा, 42 से भाग करेंगे क्या बचेगा 37 बचेगा। अब इन सारे सवाल को आप समझ गए होंगे, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिएगा देखिएगा ये अगला सवाल क्या है, 1000 तथा 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2 3 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 शेष बचता है। एक अभी यहाँ पर कंडीशन है कि वो संख्या 1000 2000 के बीच ही होनी चाहिए, अभी देखिएगा कोई भी कंडीशन सवाल में नहीं था। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से भाग देते हैं क्रमशः पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, आगे इसी प्रकार। तो देखिएगा पहले 1 बजता 2 बजता 3 बजता 4 5 6 7 बजता, तो अंतर कितना का, सम में अंतर 1 का, सम में अंतर 1 का, सम में अंतर 1 का है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे कि एलसीएम हमारा कितना होगा, तो फिर कंडीशन को देखेंगे क्या कहता है। तो चलिए हमने बात करते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 से आखिर कौन संख्या पहले कट रहा है, तो 2 और 4 और 8 का एलसीएम 8, 3 और 6 का 6 और 5 7 लिखे हुए हैं। अब देखिएगा इसको लगाएंगे, 4 2 8 3 8 6 6 24 24 24 25 124 84 840। अब देखिए हमारे मित्र बंधु यहाँ पे अभी फिलहाल एक आप नहीं घटा देंगे क्योंकि वो संख्या अभी नहीं आया है जो मांग रहा है, क्योंकि वो संख्या क्या होना चाहिए 1000 और 2000 के बीच होना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी गुणज अगर अगले से कटता तो उसका पिछले गुणज से कटता होगा, यानी एक कंडीशन है। जैसे मान लीजिए 8 से कोई संख्या कट रहा है तो निश्चित है कि वो अगर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 4 का गुणज 8 है और 8 से कोई संख्या कट रहा है इसीलिए 4 से कटेगा। आखिर 840 हमारा 1000 2000 के बीच में नहीं है, तो इसका कोई भी गुणज आगे जाके कट सकता है। तो चलिए अगर 1 से गुणा करेंगे यही हो जाएगा, 2 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 × 0 = 4 × 8 × 16 होगा 80। अब 3 से गुणा करें 8 3 24 पार हो जाता है कि नहीं 1000 2000 के बीच से, इसका मतलब फिलहाल हमारा 1680 संख्या होगा जो 1000 2000 के बीच में होगा। यहाँ गुणज के तहत हम पहुँच चुके हैं क्योंकि इसका ये गुणज है ये कट रहा है तो इसलिए इससे कटेगा, और ये अगर इससे किससे कटेगा 2 3 4 5 6 7 और 8 से कटेगा। लेकिन कंडीशन क्या, एक एक शेष इसमें अंतर हो रहा है, एक एक अंतर हो रहा है, शेष इतना इतना बच रहा है, इसमें भी अंतर कितना कर देंगे 10 में 1 गया 9, यहाँ 7, यहाँ क्या होगा 6, यहाँ 1600 क्या हो जाएंगे 79। वह संख्या होगा जो कि 2 से भाग देंगे 1 बचेगा, 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 4 से भाग देंगे 3 बचेगा, 5 से 4 6 से 5 7 से 8 से 7 बचेगा। क्लियर हो गया होगा, सब को इसको समझ गए होंगे। तो चलिए बंधु हम फिर आप सबों के साथ मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक
आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये चीज़ आपको लगे कि हम समझ गए हैं, तो शेयर लाइक करना ना भूलेंगे। और आप सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, तो अगर आप शेयर लाइक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देने में आसानी होगा, क्योंकि आपका एनर्जी चाहिए, सहयोग चाहिए। धन्यवाद।